योग क्या है? तो मेरे हिसाब से मैं ऐसे मानता हूं कि योग का अर्थ है, उसके दो अर्थ होते हैं और दोनों अर्थों को मिलाना पड़ेगा। योग क्या है? तो सबसे पहले योग का अर्थ है कि योग यानी रास्ता जाना, परमात्मा की ओर जो रास्ता हमें ले जाए उसे योग कहते हैं। आप कर्म के द्वारा जाओ, आप धर्म के द्वारा जाओ, आप भक्ति के द्वारा जाओ, आप ज्ञान के द्वारा जाओ, इन सब में से किसी को भी चुन के आप एक रास्ते को पकड़ लो और वो रास्ता आपको पहुंचा दे वहां कि जहां परमात्मा है। तो वो रास्ते को जाना योग यानी जाना। योग के अक्षर को उल्टा कर दो तो योग का उल्टा क्या हुआ? गयो। गयो यानी क्या हुआ? जाना। तो एक अर्थ उसका ये हुआ कि परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता, उसे हम योग कहते हैं। अभी उसका दूसरा भी एक अर्थ है कि योग यानी क्या? तो योग यानी आपके कर्म को आप कुशलता की तरह करो, कुशल व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं वैसे आपके कर्म को इतना कुशल रूप से करो कि वो कर्म एक नहीं हजारों के लिए फायदे में। तो ऐसी करने की जो खूबी है, ये क्रिया है, उसे भी योग बोला गया है कि कर्म को अपनी खूबी से करना, कर्म को कौशल्य से करना। गुरु क्या करते हैं? तो गुरु के पास एक खूबी है कि आपकी बुराइयों को वो ढूंढ लेता है और वो ही बुराइयों को अच्छाइयों में पलट देता है। तो अच्छाइयों में पलटना बुरी चीज को, ये क्या हुआ? ये हुई खूबी, खामियों को खूबी में बदलना, वही तो सदगुरु है। और योग का एक अर्थ हुआ उस रास्ते पे जाना, वहां वो मिले। योग का अर्थ हो गया कि आपकी खामी आपको अवगत करवा दे, उसी को आप खूबी बना लो और वही खूबी आपकी एक संस्था बन के उभरे और काफी लोगों को फायदा दे। लेकिन तीसरा भी एक अर्थ है योग का, और तीसरा अर्थ क्या है कि योग याने क्या? योग याने एकाग्र होके कार्य करो, जो भी कार्य करो वो एकाग्र होके करो, उसको बोला गया है योग। खाना खाना है तो एकाग्र होके खाओ, एकाग्र होके खाओगे तो ही खून बनेगा, नहीं तो आपका दिमाग अलग अलग जगह पे होगा और खाओगे तो खाना कम जाएगा, उसका खून भी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक योग तो ये भी होता है कि आप 100% इन्वॉल्व होके करो, खाने समय बोलो बस अन्न परब्रह्म, आपका ध्यान उसमें होना चाहिए, नहाते समय कुछ बोलो मत, नहाओ, परमात्मा को याद करके शरीर शुद्धि करो, पूजा करते समय कुछ सोचो मत, सिर्फ परमात्मा की पूजा करो, काम करते समय आपका काम करो, अपने संसार के साथ बैठे हो तो संसार की बातें करो, अपने संसार में रहो। ये जो 100% एकाग्र होकर जो करते हैं उसे योग कहा गया है। यानी योग में जरूरी है कि एकाग्र होना, कोई भी क्रिया करो, योग में जरूरी है कि रास्ता बराबर हो जाए, योग में जरूरी है कि जो आपने पाया है उसका कौशल्य से उपयोग करो। ये सभी चीजों को मेरा मानना है कि इसे योग बोला गया है। आज आप जो हम जब यहां आए हैं तो ये क्या है? ये कि योग है, ऐसे रास्ते पे आए हैं जहां हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हम यहां इन्वॉल्व हो गए, एकाग्र हो गए, तो ये हमारा प्रवचन में योग हो गया, अध्यात्म योग, कि हम जुड़ जाएंगे। हम यहां से जो लेके जाएंगे उसका हम उपयोग करेंगे, और लेके क्या जाएंगे? ओम शांति शांति शांति। हम यहां से शांति लेके जाएंगे और अपने घर पे सबको बांटेंगे। प्रसाद मत बांटो, गुरु के दामन से दी हुई शांति अपने दामन में संभालो, अपने गुरु की झोली से, गुरु जो शांति देता है वो शांति अपने दामन में लेके जाओ। हम प्रसाद भी ऐसे ही लेते हैं ना, ऐसे कर देते हैं। अपन पाछा बर्फी हो तो पहली ले भाई, साकरिया दाणा हो तो जोता है, साकरिया दाणा नु मोड़ू भी का जोई छे, अबे मुकीए ने तो कोई साकरिया दाणा पड़ेला पड़ेला बेही रे, અને છેલ્લે મારું બોડું જોઈએ કે હું આ લોકોને હોપે કોઈ ખાતું જ નથી। હા પણ બરફી મૂકો તો બધી ભરાઈ જાય, સાકરિયા દાણા આપો ને તો બધા વેચવા નીકળે, કારણ કે પોતે તો ખવાય નહીં ને આટલા। હું આપું 10 દાણા આપી દે, એસે 10 દાણે મેં દે દઉં તો 10 દાણે પ્રસાદ છે, પ્રસાદ લેના પડેગા, અનાદર નહીં કર સકતા। હા મગર
मैं आपको भर भर के मिठाई दे दूं तो मुझे नहीं लगता कि आप बांटते फिरोगे, प्रसाद लेना पड़ेगा, बोलेगे क्या आपने खाई ने पूरु कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि योग से जो मिले गुरु से शांति झोली से उसे दामन में भर के जाओ, प्रसाद मत बांटो, शांति बांटना। आज दुनिया में शांति की आवश्यकता है। आज घर में घर के जो चूल्हे अशांति से जल गए हैं उसे हवन चाहिए, शांति चाहिए, उसे शांति बांटो। गुरु के पास से प्रेम लेके जाओ और वहां जाके प्रेम बांट दो बस। गुरु के पास से ज्ञान लेके जाओ और ज्ञान को बांटो। यही कार्य हमने योग के माध्यम से करना है। तो इसे बोला गया है योग के जहां आप इन्वॉल्व हो जाओ। और योग की व्याख्या तो एक ये भी है कि ऐसा समझ लेना चाहिए। हम सोचेंगे कि दादा आपने योग की बात की तो योग आया है ऐसे कैसे समझे। तो योग को समझने से पहले आपको वियोग को समझ लेना पड़ेगा। जिसके साथ आपका वियोग हो जाता है उसको मिलने की बार बार तमन्ना होती है और वो मिलने के लिए जो क्रिया हम करें उसे कहा गया है योग। 3 दिन हम मिलेंगे, एक यहां 2-3 घंटा मिलेंगे, बाद में चले जाएंगे, तो 10-15 घंटे का वियोग। मगर जब वियोग होगा 15 घंटे का तो आज का जो प्रवचन सुना है, आज जो आपने आनंद किया है वो आपको दिमाग में रहेगा कि नहीं नहीं कल वापस बैठना है। तो मिलने की एक उत्सुकता होगी और एक ही मिलने का रास्ता है कि कल वापस यहां आके बैठे। तो वियोग है वो मान लो कि टेम्पररी वियोग है। तो संयोग होने के लिए जो हमारे भीतर में जो एक आंदोलन होगा, जो रास्ते पे हमें ले जाएगा, वो आंदोलन उसे योग बोलेंगे। 3 दिन हम बैठेंगे, बाद में सब अपने अपने घर चले जाएंगे। आप लोगों से जुदा होना मुझे भी बहुत खराब लगेगा कि 3 दिन क्यों, 3-3 जन्म तक चलते रहता तो भी क्या प्रॉब्लम था। मुझे तो लगता है आप जब गुरुवार पे आते हो और चले जाते हो तो मेरे मन में दुख होता है। दादा को भी दुख होता था तो दादा शुक्रवार को मौन रखते थे, दादा किसी से बात नहीं करते थे। सब लोग दादा को बोलते दादा क्यों आप मौन रखते हो, कल बहुत बोल लिया तो दुख गया क्या गला आपका। देखो एक बात ध्यान रखना, गुरु कभी बोलते बोलते नहीं थकता, गुरु तत्व तो बोलते ही रहता है। आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है मगर उसकी बोलने की क्षमता चालू ही, 24 घंटे वो बोलता है और एक ही बोलता है, चिंता मत करो मैं आपके साथ बैठा, घाबरू नको मैं पाठीशी आए, जब जब जरूरत पड़ेगी याद करना मैं भीतर से चलाऊ। आप उसको बुलाओ आने के लिए तैयार है। तो दादा मौन रखते थे, दादा मौन बोल के थक गए हो, तब दादा बोलते थे वो आप नहीं समझोगे कि आप काम करते थक जाते हो तो मैं बोलते थक जाए ऐसा आप मेरे जैसा आपको समझते तो मेरे में थकान लगेगी आपको, और समझ लेना मैं आपके जैसा नहीं हूं। हम गुरु को अपने जैसा ही समझते हैं ना, गुरु आपके जैसा थोड़ी है। गुरु साक्षात परब्रह्म, इतना अगर बोलते हो बार बार तो माना भी तो करो, नहीं मानते हो इसलिए तो ये सब तकलीफ है। तो क्या कहने का मतलब है मेरा कि दादा मौन रखते थे और दादा ने एक बार जवाब दिया, मौन में ही जवाब दिया बोल के कि आपको ऐसा लगता है मैं थकता नहीं, मगर मेरे भक्त जो मुझे गुरुवार पे आके मिलते हैं उनसे मैं अपने उनके दुखों को मैं पूछता हूं, वो अपनी आप बीती मुझे सुनाते हैं, उनके साथ जो मैं चर्चा करता हूं वो मुझे अपना समझ के आते हैं, मैं उनका हो जाता हूं, और वो जो जब वो छोड़ के चले जाते हैं ना तो मेरे को किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होती, और बात करने की जब इच्छा ही ना हो तो मौन ही रहना पड़ता है, वो आएंगे तब मैं बात करूंगा, ये मेरे मन में हो जाता है। तो दादा को भी वियोग होता है। तो एक बात के भविष्य में समझ लेना कि वियोग है, 3 दिन के बाद हमारा और आपका वियोग है, 2 दिन के बाद गुरुवार को वापस मिलेंगे, मगर वो मिलने के लिए जब आंदोलन चले तो गुरुवार कब आए, गुरुवार इसे मानो ये आपका योग हो गया बस, और कोई योग है ही नहीं। सांस बंद कर लो, उल्टा सुल्टा हो जाओ, यहां ऊपर नीचे जोर जोर से वो जैसे बंदर कूदते हैं वैसे कूदो, ये अलग चीजें है ये सब।
ये सब क्रियाएं है, क्रिया को कर्म में क्यों जोड़ते हो? ये तो क्रियाएं है, ये सब फॉर्मालिटी है, ये देह की बातें ही, हम तो विदेह की बात करने के लिए बैठे हैं ना, ये तो विदेह है। तो वियोग होने वाला है, उसको मिलने आंदोलन हो जाए कि मिले मिले मिले, और उसके लिए आप प्रयत्नशील हो जाओ, उसे बोला गया है योग। और इसीलिए बोला गया है कि योग चित्त शक्ति, योग चित्त वृत्ति निरोध, कि योग क्या करेगा। जनरली उसका पतंजलि ने अर्थ निकाला है कि योग में चित्त वृत्ति का निरोध होना चाहिए, कि चित्त की जो वृत्तियां है वो हमें डिस्टर्ब न करे, ये होना चाहिए। आज आप यहां बैठे हो तो आपकी जो वृत्ति है आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, उसको निरोध करो। कि भाई आपको सिगरेट पीने की इच्छा है एक घंटे के बाद, तो उसको निरोध करो कि नहीं आए वो इच्छा, वो निरोध, निरोध यानी उसका, उसको स्टॉप करो। मगर मैं थोड़ा अलग रूप से मानता हूं कि अगर आपने योग साध लिया, अगर आप उसके अंदर 100% इन्वॉल्व हो गए, तो किसी चीज के निरोध करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो चीज बाहर रह जाती, उसे बोला गया है योग। आप इन्वॉल्व हो जाओ, आप इन्वॉल्व हो जाओ तो वृत्ति उठेगी ही नहीं। अगर इन्वॉल्वमेंट वृत्ति को अपने आप दूर कर लेगा, उसके लिए उसको निरोध करने की जरूरत नहीं। और पतंजलि जो योग शास्त्र है वो ज्यादातर यम नियम आसन प्राणायाम के ऊपर आधारित है, इसलिए वो निरोध की बात करते हैं। मगर मैं तो ऐसे मानता हूं कि आप यहां इन्वॉल्व हो गए ना, मैं यहां से गारंटी देता हूं, शायद किसी को यहां से बाहर जाके सिगरेट पीने की इच्छा नहीं। 3 घंटा कैसे बैठोगे? 3 घंटा खत्म हो गया, हाँ बाद में सब खुजली होगी, चलो जाओ दौड़ो, वहां भीड़ लग जाएगी, उसको भी धंधा अच्छा मिलेगा, बाद में वेटिंग हो जाएगा उधर, वो 2 नंबर की बात। लेकिन 3 घंटे अपने आप वृत्तियां वहां अटक जाती है, और ये हो गया उसको क्या बोलेंगे? निरोध अपने आप। और इसी को योग के 100% आप इन्वॉल्व हो जाओ तो वृत्तियां अपने आप बाहर रह जाती है। तो एक अर्थ योग का तो ये भी है। तो आज जो हम बात करते हैं तो वियोग और योग, कि वियोग हुआ मान लो तो योग करने की इच्छा होगी, बार बार मिलने की इच्छा होगी, उसके स्मरण में रहने की इच्छा होगी, स्मरण में मरण अंत काले मां में स्मरण मुक्त वक्ले रहो, कि उसके स्मरण में मर जाने की इच्छा होगी। तो यही सब चीजों को जो आपको वहां ले जाने के लिए आपको उत्सुक करती है, उन चीजों को बोला गया है योग। और योग क्या करेगा? योग आपको जोड़ेगा, गुरु के साथ आपका गठबंधन होगा, और ऐसा गठबंधन हो जाएगा कि उस गठबंधन में से जो प्राप्त होगा, मैंने यहां लिखा है उसे अमृत मंथन कहते हैं, कि गुरु के साथ आप जुड़ जाओ।